हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर के लिए जो हमारे वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को और बेटर बना सकता है। वो फैक्टर क्या है? उस फैक्टर का नाम है संकल्प की शक्ति या विल पावर, जो भी आप नाम देना चाहें। मैं शुरुआत करूंगी एक छोटे से प्रयोग के बारे में आपको बता के, ताकि आपको उसकी अहमियत समझ आए। एक स्कूल में एक प्रयोग किया गया। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया। उस इंस्पेक्टर ने सभी बच्चों को चॉकलेट्स दिए और उसके साथ एक टास्क दिया कि आपको ये चॉकलेट जब तक हम ना कहें तब तक नहीं खानी है। वो इंस्पेक्टर थोड़ी देर दूसरे क्लास में गया, दूसरे क्लास के बच्चों को टास्क देने के लिए। तब तक चॉकलेट बच्चों के पास ही थी। ये एक टेस्ट था, ये एक एग्जाम था, ये एक टास्क था चेक करने के लिए कि बच्चों के अंदर कितना विल पावर है, कौन रुक पाता है। क्योंकि चॉकलेट अपने आप में एक टेम्पटेशन है बच्चे के लिए, वो खोल के उसे खाना चाहेगा। ठीक वैसे ही हुआ। लगभग 20-30% बच्चों ने जैसे ही इंस्पेक्टर क्लास से बाहर गया उसका रैपर खोला और खा लिया। थोड़ी देर कुछ बच्चे रुके रहे, कुछ बच्चे जो देख रहे थे उनके मन में भी लालच आने लगी, वो भी उस टेम्पटेशन के सामने हार गए और 10-20% बच्चों ने चॉकलेट खा ली। ऐसे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट खा ली। जब इंस्पेक्टर लौटा तब उसने सब क्या चेक किया, जांच पड़ताल की। पाया गया लगभग 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी, मतलब जो संकल्पवान थे, जिनके अंदर विल पावर था। उसे उन बच्चों को अब निर्देश मिला कि अब आप भी चॉकलेट खा लीजिए। उन बच्चों को एक रिवॉर्ड भी दिया गया, एक एक चॉकलेट और। ये टास्क दिखने में छोटा सा लगता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर जानता था इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। उस इंस्पेक्टर ने टीचर से बातचीत की, उसने उन बच्चों से और बातचीत की, देखा कोई बच्चा पहचान का निकला। उस क्लास टीचर की बेटी भी उसी क्लास में पढ़ती थी, तो उस इंस्पेक्टर ने उस बच्ची से इंटरैक्शन बना के रखा, उससे लिंक बना के रखा, और उसी के थ्रू क्लास के सारे बच्चों से वो लिंक डब रहा। स्कूल लाइफ में उसने पाया इन 20% बच्चों की ग्रोथ बाकी अन्य 80% से ज्यादा बेटर थी। वो ज्यादा कमिटेड थे, ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे। उनको जो भी काम दिया जाता उसे अच्छे से कर पाते। फिर धीरे धीरे बच्चे स्कूल से पास हो गए, वो कॉलेज में जाने लगे। कुछ बच्चों का जॉब प्लेसमेंट हुआ, कुछ की शादी हुई। उस इंस्पेक्टर ने इस बच्चे के थ्रू फिर भी उनसे कनेक्शन बनाए रखा। उसने पाया 80% बच्चे जो कमिटेड नहीं थे, जो संकल्पवान नहीं थे, उनमें ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ने लगी। कुछ कॉलेज में जिस जिस स्ट्रीम में गए थे उन्होंने वो स्ट्रीम छोड़ दी। जॉब जहां कर रहे थे बार बार जॉब बदलते रहते थे, कहीं भी टिक नहीं पाते थे। लेकिन वो 20% बच्चे, उन्होंने जो स्ट्रीम चुनी थी वो उसी में टिके रहे, उसी में अच्छे नंबर से पास हुए, और उसी के तहत जो भी उन्हें प्लेसमेंट मिली थी या जो जॉब या बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था उसी में टिके रहे और अच्छी ग्रोथ भी होती रही। इतना ही नहीं, इन 20% बच्चों में पाया गया कि उनके जो रिश्ते थे, जो उनकी मैरिड लाइफ थी, अफेयर थे, जहां भी उनकी कमिटमेंट्स थी, वो उसमें बहुत सुंदर तरीके से उसे निभा पाए, जो कि चीज बाकी अन्य 80% बच्चों में नहीं पाई गई। एक फैक्टर सिर्फ डिफरेंट था, फैमिली स्ट्रक्चर सबके आसपास के थे, पढ़ाई भी सबके आसपास की थी, एक ही स्कूल से थे। लेकिन जो मेन एक फैक्टर डिफरेंट ले आया था इन सब बच्चों में, वो था वो विल पावर, वो था वो संकल्प की शक्ति। मैंने ये प्रयोग आपसे इसलिए कहा कि हम जहां भी, हम में से हो सकता है कोई आज स्टूडेंट है स्कूल का या कॉलेज का या कोई प्रोफेशनल स्टडीज का, हो सकता है हम कोई जॉब या बिजनेस करते हो, या हम सब सोशल एनिमल तो हैं, हमारे कुछ ना कुछ रिश्ते जरूर होंगे। हर जगह ये संकल्प की शक्ति काम करती है। हम कितना कमिटेड हैं वो फैक्टर बदलाव ला सकता है। अब हम इस विल पावर को अपने अंदर कैसे जन्माएं, कैसे इसे डेवलप करें, मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दूंगी। एक एग्जांपल हम सब ट्राई कर सकते हैं, मोस्ट सिंपल वाला, कि आज आप एक फिक्स टाइम पे अपने भीतर अलार्म बना लीजिए कि इस टाइम पर मुझे 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठनी है।
जब तक 5 मिनट बाद दोबारा अलार्म नहीं बजेगा मैं नहीं खोलूंगा। ये फिर से आपके भीतर एक संकल्प की शक्ति को जगाने का मौका है, एक उपाय है। आप देखेंगे बहुत सी टेम्पटेशन हुई, चलना क्या जाता है, आपका मन बोलेगा खोल लेते आंखें, किसको पता चलता है, कौन देख रहा है। नहीं, आप देख रहे हो, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने नजरों से गिरते हो हर बार जब आप संकल्प तोड़ते हो, और हर बार जब आप संकल्प को निभा पाते हो आप अपने अंदर ही एक खुशी, एक रिवॉर्ड फील करते हो। एक छोटी सी टास्क हम सब ट्राई कर सकते हैं, 5 मिनट आग बंद करके बैठने का। सेम ऐसे ही एक और टास्क ट्राई कर सकते हैं कि कल मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा, या अगले 12 घंटे में कुछ नहीं खाऊंगा, या अगले 6 घंटे में कुछ नहीं खाऊंगा। छोटा छोटा, जितनी आपकी हिम्मत है, पहले शुरुआत छोटे से करना। कोई बहुत बड़ा संकल्प मत ले लेना, क्योंकि जितने बड़े संकल्प हम लेते हैं और अगर हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हम अपनी ही नजरों में फिर गिर जाते हैं, अपनी संकल्प के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, फिर वो विल पावर बड़ा नहीं होगा, फिर वो जो बीज अंदर था वो अंदर ही अंदर मरने लगेगा। सेम एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग वेट लूज करना चाहते होंगे, वो ट्राई सीधा ये नहीं करें कि टारगेट है मेरा 10 किलो वेट लूज करना, 1 kg से स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे मुझे अगले 10 दिन में 1 kg लूज करना है। ये सिंपल है, ये संभव है, और जब ये संभव हुआ आपके अंदर फिर से एक हिम्मत बढ़ी, अगले हफ्ते फिर 1 kg या फिर 2 kg, आप देखेंगे धीरे 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 आप ग्रो करने लगे। यही फिर आप अपने कार्यशैली पे लगा सकते हैं कि आज मुझे 10 to 6 में अपना बेस्ट आउटपुट देना है, सिर्फ एक दिन के लिए, पूरे महीने के लिए, पूरे हफ्ते के लिए नहीं। यही एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं सुबह उठने के लिए। हम में से बहुत लोगों को जल्दी उठने में दिक्कत लगती है, या रात देर तक जागते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेबल ठीक करना पड़ेगा। हम संकल्प ले सकते हैं, अगर मैं रोज रात को 2 बजे सोती हूँ, मैं संकल्प लूँ कि आज से मैं 1:30 बजे सोना शुरू करूँ। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स हेल्प करेंगे। फिर 1:30 बजे से 1 बजे पे आइए, 1 से 12:30 पे, धीरे धीरे अपने शेड्यूल जो आप ठीक करना चाहें उतने प्यारे, आप देखेंगे आप कर सकते हैं। यू हैव द पावर इन यू। ऐसे ही आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। सपोज आपको जॉब स्विच करना है, आपको नया काम सेट करना है, उसकी अपनी डिफिकल्टीज होंगी, उसके अपने हर्डल्स होंगे, लेकिन आप छोटे छोटे संकल्प लेके उसे पूरा कर सकते हैं।